आंसू कहते हैं। हम जो 15 मरले में मकान है उसको नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जो कमर्शियल किसी की अगर एक दुकान भी है वो एक मरले में है, उस दुकान का जो मालिक है वो अपना जो खाना है उसका परिवार उस पे पल रहा है। लगभग 40% लोग जो है जिनका रोजगार चल रहा है, जिनकी जमीनें जो है स्टेट लैंड है, जिनकी जमीनें सरकारी जमीनों पे उन्होंने दुकानदारी बना के रखी है, तो वो सब लोग बेरोजगार हैं। इसमें गवर्नमेंट भलाई भी आएगा, यहाँ पर कोई बाहर का आदमी जो 5 मरले या 10 मरले में दुकान बना के कोई लैंड माफिया का आदमी नहीं है। लैंड माफिया जो है वो बड़े बड़े बिजनेस खड़े करते हैं, जो 1 मरला या 2 मरले में जो दुकान है कमर्शियल है, चाहे वो कहीं भी है, मैं नहीं कहता यहाँ बठिंडी में है, वो सतवारी में है, वो रूपनगर में है, वो स्टेट के किसी भी कोने में है, जम्मू कश्मीर यूटी के कहीं भी है, वो लैंड ग्रैबर नहीं है। जो लैंड ग्रैबर है जिन्होंने बहुत बड़े कब्जे किए हैं, आप उनको पकड़िए, आप आम आवाम के जिनके 5 मरले हैं 10 मरले हैं, तो उनको आप दंग करेंगे। पहले ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैली है, अब जो बेचारे खोखा चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, अगर उसकी दुकान और खोखा जो है आप तोड़ देंगे तो ये कहेंगे कि इसने कमर्शियल रखी है, हम इसका घर नहीं तोड़ेंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। हम जो 15 मरले में मकान है उसको नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जो कमर्शियल किसी की अगर एक दुकान भी है वो एक मरले में है, उस दुकान का जो मालिक है वो अपना जो खाना है उसका परिवार उस पे पल रहा है। लगभग 40% लोग जो है जिनका रोजगार चल रहा है, जिनकी जमीनें जो है स्टेट लैंड है, जिनकी जमीनें सरकारी जमीनों पे उन्होंने दुकानदारी बना के रखी है, तो वो सब लोग बेरोजगार हैं। इसमें गवर्नमेंट भलाई भी आएगा, यहाँ पर कोई बाहर का आदमी जो 5 मरले या 10 मरले में दुकान बना के कोई लैंड माफिया का आदमी नहीं है। लैंड माफिया जो है वो बड़े बड़े बिजनेस खड़े करते हैं, जो 1 मरला या 2 मरले में जो दुकान है कमर्शियल है, चाहे वो कहीं भी है, मैं नहीं कहता यहाँ बठिंडी में है, वो सतवारी में है, वो रूपनगर में है, वो स्टेट के किसी भी कोने में है, जम्मू कश्मीर यूटी के कहीं भी है, वो लैंड ग्रैबर नहीं है। जो लैंड ग्रैबर है जिन्होंने बहुत बड़े कब्जे किए हैं, आप उनको पकड़िए, आप आम आवाम के जिनके 5 मरले हैं 10 मरले हैं, तो उनको आप दंग करेंगे। पहले ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैली है, अब जो बेचारे खोखा चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, अगर उसकी दुकान और खोखा जो है आप तोड़ देंगे तो ये कहेंगे कि इसने कमर्शियल रखी है, हम इसका घर नहीं तोड़ेंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है।